की उल्लासित परेड देखने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन कर दीजिए। और अब वाहन बैंड की धुनों के बीच हमारी पहली टोली जो सशस्त्र पुलिस बल की है, जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार जी कर रहे हैं, पहली टोली से बढ़ता हुआ वाहन नागरिक पुलिस बल की टोली के समक्ष पहुंच चुका है। उप निरीक्षक श्री आलोक कुमार सिंह जी के नेतृत्व में जो मुस्तैद तृतीय टोली पुलिस कार्यालय एसपीओ कार्यालय उप निरीक्षक श्री जैद अहमद जी के नेतृत्व में, इसके उपरांत तृतीय टोली से बढ़ता हुआ वाहन अब पहुंच रहा है हमारी नारी शक्ति स्वरूपा, हमारी महिला पुलिस की टोली निरीक्षक उप निरीक्षक श्रीमती माया यादव जी के नेतृत्व में, पीएससी बल की टोली प्लाटून कमांडर श्री एजाज अहमद खां के नेतृत्व में, होमगार्ड बल प्लाटून कमांडर श्री पार्थ सारथी जी के नेतृत्व में, मोटरसाइकिल दस्ता उप निरीक्षक श्री मार्कंडे सिंह जी के नेतृत्व में, कमांडो दस्ता मुख्य आरक्षी श्री सुभाष सिंह जी के नेतृत्व में, ये सभी टोलियां का निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथि महोदय और निरीक्षित कर चुके हैं। और अब फर्स्ट परेड कमांडर महोदय श्रीमान हर्ष फायर करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। हर्ष फायर हेतु अनुमति। अरे प्रदीप सर, हर्ष फायर की अनुमति लेकर फर्स्ट परेड कमांडर आदरणीय श्री राम सूरत सोनकर जी क्षेत्राधिकारी लाइंस अपने अलाइनमेंट पर वापस पहुंच रहे हैं। और अभी इन टोलियों के जवानों की बंदूकों से हर्ष फायर की ध्वनि जब होगी तो हमारे हृदय का स्पंदन एक बार बढ़ जाएगा, हमारे हृदय की धड़कनों से राष्ट्र प्रेम। हर्ष फायर हेतु हम सब तैयार और फर्स्ट परेड कमांडर अब मुख्य अतिथि महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय पुनः मंच पर सादर रूप में उपस्थित हो चुके हैं। सावधान, प्राण हर्ष फायर करेगी, कमांडर्स जगह लो। प्राण खड़ा मोर्चा ले, प्राण एक गोली भर,
कमांडर्स वापस जगह लो। प्रेत निकट लाइन चल, प्रेत बगल सस, प्रेत तीनों दिन कार्य में दाने चलेगी, दाने मुड़। हर्ष फायर के उपरांत अब हमारी ये टोली परेड प्रारंभ हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि एक साथ निकलते हुए हाथ, बाजू पूरी तरीके से आगे और पीछे, कदम एक साथ आगे बढ़ते और उसके आगे आगे हमारे परेड कमांडर्स, हर एक टोली के नेतृत्वकर्ता शोभायमान हो रहा है। पीछे तिरंगा के आकार में लगा हुआ जो हमारा पर्दा, उसके साथ ये जो हमारा परेड का पथ है, इतने आकर्षक रंगों से सजाया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय का मार्गदर्शन, नेतृत्व निर्देशन, प्रतिसार निरीक्षक महोदय का समर्पण और परेड आगे बढ़ते हुए अब मंच के सम्मुख द्वार पर अग्रसर हो रही है। मैं आपको एक एक टोली का परिचय देता रहूंगा। बहुत ही सधे कदमों से ये पहला जो टोली है, ये पहली अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति, द्वितीय परेड कमांडर शिवमुनि यादव जी उनके साथ साथ, और उसके साथ बढ़ रही है हमारी सशस्त्र पुलिस की ये टोली जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार जी। बहुत शानदार उच्च कोटि की साज सज्जा प्रदर्शन और सभी जवानों का ये कौशल, क्या बात है, चार तालियां एक बार जोरदार, बहुत अच्छे शानदार प्रदर्शन। मंच नागरिक पुलिस उप निरीक्षक श्री आलोक कुमार सिंह जी के नेतृत्व में, तृतीय टोली पुलिस कार्यालय एसपीओ कार्यालय उप निरीक्षक श्री जैद अहमद जी के नेतृत्व में, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन, जोरदार तालियां। हमारी महिला उप निरीक्षक श्री माया यादव जी के नेतृत्व में हमारी नारी शक्ति, गौरव गरिमा साहस का प्रतीक, बहुत शानदार। उसके उपरांत पीएससी बल प्लाटून कमांडर श्री एजाज अहमद खान, जोरदार, बहुत शानदार, एक से एक आकर्षक रूप में। इसके बाद होमगार्ड बल श्री पारसार्थी जी के नेतृत्व में, इसके बाद आजिम खाजी थर्ड परेड कमांडर, बहुत जोशीले, क्या बात है, शानदार सर, बहुत बढ़िया। मोटरसाइकिल दस्ता उप निरीक्षक श्री मार्कंडे सिंह जी, कमांडो दस्ता श्री सुभाष सिंह जी मोटरसाइकिल दस्ता, इसके बाद कमांडो दस्ता सुभाष सिंह जी के नेतृत्व में रेडियो एंड मेंटेनेंस विभाग सैयद हैदर रजा रिजवी, यूपी 112 आपातकालीन परियोजना इनोवा बिलेरो बूटा सिंह जी के नेतृत्व में, इसके बाद श्वान दल 2011 में सीबीसीआईडी खंड बरेली से जनपद बरेली आई हुई डायना डाबरमैन प्रजाति की, जो हमारी यहां पर श्वान है, जिन्होंने 19 से 20 तक लगभग 80 घटनाओं में, डायना का आप अभिनंदन करें, डायना ने 20-80 घटनाओं में इन्होंने अपना योगदान दिया, बड़े बड़े कांड में टिकैत नगर के महतीपुर में और उससे लेकर मलान मर्डर केस में श्वान दल का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे कपिल देव सिंह जी। फायर सर्विसेज उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे सी राम मिलन प्रजापति दी, बहुत शानदार फायर सर्विसेज, डायना जो श्वान दल में गुजरे उसके बाद फायर सर्विसेज का वाहन राम मिलन प्रजापति दी उत्कृष्ट सेवाएं, अभी तिरंगे का फाउंटेन इन्हीं के विभाग के द्वारा देखा गया। इसके बाद ये जो झांकियां गुजर रही हैं, ये विभिन्न विभागों की झांकियां, ये वन विभाग की सबसे पहली झांकी, कहते हैं हरित धरती के लिए पर्यावरण एवं जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए वन विभाग की झांकी, 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य लेकर बाराबंकी जनपद भी 5 लाख
5,49,000 जो पौधे यहाँ लगाए गए उनको यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए, इसके बाद कृषि विभाग की झांकी, निश्चित रूप से अन्नदाता के रूप में हमारे कृषि विभाग की झांकी हम सबके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। तकनीक और कौशल का अद्भुत संगम, इसके उपरांत हमारे पीओ डूडा यहाँ उपस्थित हैं, नगरी विकास अभिकरण की ये झांकी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से लेकर दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से बनी हुई ये एक हमारा जो प्रधानमंत्री आवास को प्रदर्शित करती हुई, इसके बाद राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की ये झांकी, क्षय रोग अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संयोजन में, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये गुजर रही है, स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से ये झांकी है। स्वास्थ्य विभाग इस बार कोरोना की वैक्सीन भी हम सबको प्राप्त करा चुका है, भारत माँ का ये विभाग। इसके उपरांत नगर पालिका परिषद की ये झांकी और साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन को प्रदर्शित करती हुई ये झांकी हमारे समक्ष प्रस्तुत है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सदा 100% नामांकन के लिए कार्य किया है। इस जनपद में समग्र शिक्षा के माध्यम से मिशन कायाकल्प को गति देती हुई ये झांकी प्रेरणा, मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प जैसी अनेक योजनाओं में बच्चों को जोड़ती हुई ई लर्निंग का भी कार्य कर रही है। ये सारी झांकियां हमारे समक्ष एक के बाद एक निकल रही हैं, बहुत शानदार। चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे कोई और मोर्चा हो, सभी झांकियों ने अलग अलग स्वरूप प्रस्तुत किया है, पूरे विश्व को हमने दर्शाया है कि हमने ही सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन भी पूरे विश्व में दी।